सुनीता गुप्ता जी, आज जो ये माहौल चल रहा है, आज जो इस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है कि अधिकतर लड़कियां हैं जिनको आप बहू कहते हैं, लड़कियां कहते हैं, आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, ये आप अपने आप बताएंगे? थोड़ा सा हिंदुस्तान के अंदर पहले औरतों की स्थिति थी कि सताया जाता था उनको, और इसी वजह से CAW सेल बनी, क्राइम अगेंस्ट वुमेंस बनी, ताकि उनके साथ कोई अत्याचार ना हो। और जुडिशरी ने भी बहुत कोशिश की अपनी तरफ से कि उनको न्याय मिले, और न्याय मिल रहा है उनको। लेकिन अब जैसे आपने मेरे से प्रश्न किया कि कहाँ थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, वहाँ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जब फीमेल इंडिपेंडेंट सी हुई, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट हुई है, तो थोड़ा सा उनके अंदर भी ये आया है कि मैं किसी भी चीज़ को क्यों सहूं। मतलब उनकी जो टॉलरेंस पावर है वो मुझे लगता है कुछ हद तक कम हो रही है। जबकि एक औरत की सबसे बड़ी शक्ति, हमारे देश में तो भारत माता कहा जाता है, तो एक माँ के अंदर वो सारी शक्ति होती है। मतलब वो जैसे अर्थ को भी बोलते हैं कि वो उसको, उसने सब कुछ सहना है, वही एक औरत है। तो औरत को अपना ये जो एक है कि उसके साथ गलत हो रहा है, उसको ना सहे, सामने आए, लेकिन हाँ अपनी सहनशीलता जो एक उसका आभूषण है, स्पेशली भारत की नारी का, उसको बरकरार रखे, हर परिस्थिति से जूझे, समझौता ना करें। लेकिन क्योंकि वो एक नारी का एक घर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती है, सृष्टि को जन्म देती है, बच्चों के प्रति उनकी लाइबिलिटीज़ है, अपने हस्बैंड हैं, इन लॉज हैं, उसके अलावा अगर वो बाहर काम कर रही है तो उसकी ऑफिस में भी उसकी एक सोशल और उसकी ऑफिशियली में भी उसकी अपनी एक जिम्मेदारी है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को उसने निभाना, ये उसकी कला है कि वो निभा रही है। लेकिन उसमें सहनशीलता अपनी बरकरार रखते हुए घर को एक संभालना भी एक औरत की ही जिम्मेदारी है। कहा जाता है कि घर औरत ही बनाती है, औरत ही बिगाड़ती है, ये बहुत काफ़ी हद तक ये चीज़ बिल्कुल सत्य है। छोटी सी चीज़ में ही एक औरत का घर बिगाड़ा। आजकल हम देख रहे हैं एज ए फैमिली वेलफेयर कमेटी कि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, और बहुत जल्दी महीने दो महीने के अंदर ही लड़कियां जो है वो घर छोड़ देती हैं। आपका भी क्वेश्चन यही था कि लड़कियां इतनी जल्दी घर क्यों छोड़ रही हैं, वो वही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, और वो अपना, उनको लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया। तो उनको जो एक घर बनाने का, जो इनको एक भगवान ने भी एक ओहदा दिया है, एक माँ होने के नाते, एक षष्ठी रचयिता होने के नाते, उनको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करना चाहिए, अपनी खूबी, अपनी शक्ति को आगे लाके, और अपना उनको घर बनाने में जो एक महत्वपूर्ण योगदान है वो रखना चाहिए। घर जाते ही ससुराल में सबसे पहले जिस दिन हर लड़की अपनी सास को माँ समझने लगेगी, वो मुझे नहीं लगता कि कोई घर वो कभी टूटेगा। क्योंकि जब वो अपनी सास को माँ समझेगी तो सास भी उसको बहू नहीं, उसको बेटी समझेगी। ये रिश्ता जिस दिन बरकरार हो गया, कोई भी घर नहीं टूटेगा, और कोई भी समाज में ये जो कुरीतियाँ हैं वो नहीं आएंगी। डॉक्टर अनीता जी, पहले आपके टाइम में या इस पीढ़ी से पहले एक समझौता होता था कि एक मियाँ बीवी के अंदर अगर लड़ाई हो गई है तो वो समझौता कर लिया करते थे, लेकिन आजकल की फैमिली के अंदर जो लड़कियां आ रही हैं वो समझौता नहीं करती हैं, एडजस्टमेंट नहीं करती हैं, आए दिन वो पुलिस केस कर देती हैं, कोर्टों में चली जाती हैं। तो एक ये क्या एक बदलाव जो आया, ये इस तरीके से पढ़े लिखे होने का बदलाव आया, या वो अपनी संस्कृति को भूल रही हैं? नहीं, वो पढ़े लिखे होने का भी है, कमा रही हैं, वर्क कर रही हैं, उसका भी है, और जो हमारी भारत की मेन संस्कृति यहाँ आई है सो उसको भूल रही है। उनमें इतनी पावर है, वो समझे कोई अत्याचार उनके साथ नहीं करेगा, कोई उनको नहीं मार सकता, बगैर घबराए अपनी दायित्व को वो समझे, वो ये सोचे कि मैं इस घर में आई हूँ। और कितनी बड़ी खूबसूरती है कि एक पेड़ जो 20-25 साल के माँ बाप के घर में लगा हुआ है, फल फूल रहा है, और शादी के बाद एक झटके में दूसरी जगह लग रहा है, लेकिन देखिए वो लड़की भी बड़ी खूबसूरती से अगर वहाँ वो अपना पेड़ जमा के रखती है, और फिर बच्चे होते हैं, फल फूल लगते हैं, और वो पूरी गृहस्थी की एक मालकिन बन जाती है, हेड ऑफ द फैमिली कहलाती है, तो वो एक
एक बहुत बड़ी चुनौती है और उसको वो अगर पूरा करती है तो वो एक बहुत खूबसूरती है। और लोग थोड़ी सी सहनशीलता कम हो रही है, लेकिन अगर आप लोग अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा सा और अवेयर करने की कोशिश करें उन लड़कियों को जो छोटे से ही अत्याचार से एक मिनट में सोचती है कि हमारे को तो लीगली राइट्स मिल गए, आप सीधे आप CAW सेल जाए, वो कहीं हद तक गलत है। प्यार से समझाने की कोशिश करें, और प्यार में जितनी बड़ी शक्ति है वो किसी में भी नहीं है। अगर वो प्यार से एक बारी माँ को, अभी बहुत सारे केसेस में हमने ऐसे ही करते हैं करवा रहे हैं कि सास के साथ अगर कोई गिला शिकवा हो गया, छोड़ के गला गए, अरे माफ़ी मांग ली और सास को गले लगा लिया, माँ कह के बस सास वहीं इतने से भी खुश हो जाती है और घर बस जाता है। मैडम, मेरा कहना मतलब था कि एक जो एडजस्टमेंट है, जो समझौता है, वो समझौता नहीं हो रहे हैं घरों के अंदर, उसका क्या कारण है? उस समझौता का यही कारण है कि कानून ने उनको जो डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में जो आया, जिसके अंतर्गत उनको एक सेपरेट मकान लेने का अधिकार मिल गया कि जैसे हस्बैंड का स्टेटस है वैसे ही उसको मकान मिलेगा और वो किराए पे हस्बैंड लेके दे, उसको मंथली मेंटेन करे और उसके साथ जो क्रुएलिटी हुई उसको भी मॉनेटरी उसको कंपेंसेट करे। तो लगता है उनको कि हमारे को इतने सारे हमारे को औजार मिल गए हैं या हमारे को कानून ने इतनी सारी हमारे को वो दे रखी हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसको मिसयूज़ करने की कोशिश करती हैं और वो अपनी शालीनता और अपना ये चीज़ें भूल जाती हैं। आप माँ शक्ति एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, तो आप वो महिलाओं को जो ये जो आजकल की जो लड़कियां हैं जो समझौता नहीं कर पा रही हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ और ये संदेश दे रही हूँ कि सबसे पहले जब आप एक नए घर में आए हो, सारी जिम्मेदारी आपकी है, हस्बैंड की भी जिम्मेदारी होती है कि वो बैलेंस करके चले वाइफ एंड मदर एंड अपनी फैमिली के बीच में। उसी तरीके से जो लड़की है वो अपना उस घर में ये सोचे कि ये मेरा अब घर है, क्योंकि ये एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है कि शादी से पहले लड़की मायके में, शादी के बाद ससुराल में। तो उस संस्कृति का पालन करे, वो सोच ले कि नहीं ये घर अब मेरा है, मैंने इस घर को छोड़ के नहीं जाना, इसकी हर चीज़ मेरी है, लेकिन प्यार से अपने संस्कारों को रखते हुए घर के हर सदस्य को अपने परिवार बनाना, परिवार की तरह, अगर देवर है तो भाई की तरह उसको प्यार देना, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करना, अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।